जस्ट हिंदी देखने वाले सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। आपका स्वागत है, एक खास प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं जहां पे जस्ट टीवी की लगातार कवरेज ग्राउंड से आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो न्यूज़ अपडेट्स हों, किस तरह का माहौल इन प्रोटेस्ट साइट्स में डेवलप हो रहा है उनकी अपडेट्स, या कौन हस्तियाँ, कौन नोटेबल फिगर्स यहाँ पहुँचे हैं उनके साथ वन ऑन वन इंटरव्यूज, हर एक चीज़ आपके तक पहुँचा रहे हैं। सो आज हमारी टीम यहाँ टिकरी बॉर्डर से एक बहुत ही खास मेहमान के साथ आपको रूबरू कराने हम जा रहे हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन मी इन वेलकमिंग, इट्स एन एक्सट्रीम प्लेजर। मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर जिग्नेश मेवानी, गुजरात से एमएलए। सबसे पहले जिग्नेश जी, जो इस आंदोलन में बाकी स्टेट्स की पार्टिसिपेशन है उसके बारे में हम चर्चा सुन रहे हैं, बट बाकी स्टेट्स के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने बड़े लेवल पे नहीं देखने को मिल रहे। सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। आपकी ये विजिट पहली विजिट है, एंड हाउ इज़ इट टर्निंग आउट? इस मुल्क के दूसरे पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर अब तक नहीं आए उनके बारे में मैं कुछ कमेंट इसलिए भी नहीं करूँगा कि मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ। और कल मैं पहले सिंघू बॉर्डर पे गया था और आज यहाँ पर आया हूँ, और आपके माध्यम से भारत के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सारे नेताओं को अपील करता हूँ कि नेता की तरह नहीं, बतौर भारतीय नागरिक, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ यू मस्ट कम हियर। तो यही मैं पहले कहना चाहूँगा। कैसा आपको माहौल लगा, खास करके आपने अब सिंगू भी देख लिया, आज आप टिकरी पे पहुंचे हुए हैं। जो लोग अब्रॉड में, खास करके जो शायद पंजाब या पंजाबी कल्चर के साथ इतने वाकिफ नहीं है, है ना, आपका एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, इन द सेंस आप गुजरात से हो, आप उनको क्या बता सकते हो सिंगू एंड टिकरी के बारे में? इट्स एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग, एंड नो मैनेजमेंट एक्सपर्ट इवन आफ्टर पुटिंग इन लॉट ऑफ मनी कैन कम अप विद सच इनक्रेडिबल काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। इट्स जस्ट अनपैरेलल, अनमैचेबल, आई हैव नो वर्ड्स। और मानव सभ्यता के इतिहास में इस स्केल का, मतलब इस जज्बे के साथ इतने बड़े स्केल के ऊपर 60 दिन तक किसी कोई इतना बड़ा जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट किए हो, शायद ऐसा दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो मतलब कमाल की चीज़ है जो हो रही है, मतलब इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। जिग्नेश जी, जहाँ पे आंदोलन की बात आती है, खास करके लोगों को इतनी बड़ी गिनती में जोड़ना, खींचना, एक कॉज के पीछे उनको यूनाइट करना, आप इस चीज़ में माहिर हैं, आपकी ये एक्सपीरियंस का एक हिस्सा रह चुका है एज पार्ट ऑफ योर वर्क एज अ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट, खास करके अंडर रिप्रेजेंटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, दलित कम्युनिटी की जब बात आती है ये आपका एक्सपीरियंस रह चुका है। सो उस चीज़ को लेके इस आंदोलन में आप क्या कंपेरिजन्स ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, हम जैसा कि आपने कहा, मैं एक मूवमेंट से निकला हुआ हूँ और एक आंदोलनकारी हूँ। तो कल ही मेरी टीम में किसी के साथ बात हो रही थी कि 500 या 1,000 लोगों को 2 दिन भी बिठाना हो, 1 हफ्ते भी बिठाना हो, तो इतना मुश्किल होता है कभी कभी, मानो कि हमको घरों से ऐसे उनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई आके बैठो, सवाल उनका हो तब भी। इतनी बड़ी तादाद में, मतलब 15-20 लाख लोग 60 दिन तक बैठे रहे, और कोई एक किसी एक नेता को देखकर नहीं, मतलब आप सेंट्रिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पंजाबी है, हरियाणा से, राजस्थान से, मतलब हर जगह से लोग यहाँ भारतीय बनकर आए हैं और भारत को बचाने के लिए आए, भारत की किसानी को बचाने के लिए आए हैं। तो मतलब बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। ये तो हो गई चलो आंदोलन की बात, क्या आपका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपने यहाँ विटनेस किया, आप लोगों को हमारे साथ ने शेयर किया। अब आप हमें बताइए गुजरात की बात, जहाँ से आप आए हैं, गुजरात में इस टाइम इस आंदोलन को लेके क्या कॉमन परसेप्शंस है एंड क्या मिस कंसेप्शंस हैं आज की डेट में? देखिए, मिसकंसेप्शन फैलाने की बहुत कोशिश की गई कि ये तो टेररिस्ट है, खालिस्तानी है, कांग्रेस के लोग है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 200-300 रुपया दे दिया होगा तो उसके चलते आकर बैठे। तो ये बकवास फैलाने की कितनी भी कोशिश की गई हो, जनता को वो कन्विंसिंग नहीं लगा। गुजरात से भी कुछ किसान यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किए, बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए लेकिन आए हैं। तो इसलिए आए हैं कि वो अपने इस मुद्दे के साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं। और पूरे भारत से, कर्नाटका के, तमिलनाडु के किसान भी यहाँ पर आए, उनके कुछ ग्रुप्स के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो पूरे भारत के कोने कोने से किसान यहाँ पर आए। तो मिसकंसेप्शंस या गलत बातें, फर्जी मुद्दे खड़े करने की कितनी भी कोशिश की गई है वो सफल नहीं हुई है। तो आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि गुजरात की स्टेट, गुजरात के नागरिक आज की डेट में इस आंदोलन
को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, मतलब भाजपा जो यहाँ पर वहाँ पर गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है उनके बहुत से मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एमएलएस वगैरह पूरे जिलों में तहसीलों में जाकर जो आंदोलनकारी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो कैसे झूठ फैला रहे हैं, उस प्रकार का झूठ वो फैला रहे थे, उन सब के बावजूद वहाँ से भी किसान चलकर यहाँ पर आए, वहाँ से चलकर हम भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात के किसानों के एक बहुत बड़ा तबका इस आंदोलन के साथ है, और जो जो लोग नहीं आए वो भी अपने घर में बैठे बैठे उतना तो कह रहे हैं कि इन किसानों की लड़ाई को सैल्यूट है। गुजरात के इतिहास में जहाँ पे धर्म की बात आती है उसको लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उस चीज़ को लेके अगर आपने आज कोई कंपैरिजन ड्रॉ करना हो खास करके इस आंदोलन में, आपको लगता है कि धर्म को लेके यहाँ पे डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है या ये आंदोलन धर्म से उठ के अपने आप को पेश कर रहा है? देखिए वो उठ चुका है, यहाँ पर जात पात धर्म कौम पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजीज इन सबके बियॉन्ड ये चीज़ निकल चुकी है। जब गुजरात में हमारा ऊना का आंदोलन हुआ तो जितने भी दलित आंदोलन के अलग अलग स्ट्रीम से वो सारे लोग जुड़ चुके थे, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो कितना भी बीजेपी और आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें कि ये भी है और भी करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। किस तरह का बदलाव आपको लगता है खास करके अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि जो यहाँ के इन स्टेट्स के नागरिक हैं उनमें तो बदलाव ऑलरेडी आ चुका है, वो जागरूक हो चुके हैं एंड उनमें एक तरह की आप कह लो पॉलिटिकल एफिकेसी जाग चुकी है। बट अगर हम पूरे भारत की बात करें खास करके जो सदर्न स्टेट्स हैं गुजरात वाली स्टेट्स हैं उनमें किस तरह का आपको लगता है बदलाव आएगा इस तरह की मूवमेंट के बाद, खास करके उन सिटीजंस में एंड जिस तरह वो अपनी सरकार को देखते हैं? देखिए कोई भी स्ट्रगल होता है ग्रास रूट पे, कोई भी आंदोलन होता है वो लोकतंत्र की गाड़ी में ऑयलिंग का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 15-20 लाख लोगों का इतने दिन तक बैठना, दैट इटसेल्फ इज सम सॉर्ट ऑफ चेंज, ये खुद एक बदलाव है। ये बदलाव वो चिन्हित करता है कि हमारा लोकतंत्र हमारा डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो रहा है। और 26 जनवरी दूर नहीं है, और मैं हमेशा से जो भी ये प्रोटेस्ट के खिलाफ जो लोग बोलते हैं आंदोलन करने वाले लोगों को जो गाली बोलते हैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा जो रिपब्लिक है उसकी नींव ही आंदोलन है, यदि फ्रीडम स्ट्रगल नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं होते। तो ये जो सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए बैठे, तो ये खुद अपने आप में एक बदलाव है। जिग्नेश जी एक किस्म का बदलाव तो हमने अब लोगों को में देखा है और देख भी रहे हैं, आने वाले समय भी हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हम सरकार की बात करें इस आंदोलन के बाद, चलो पंजाब हरियाणा या केंद्र सरकार की तो जिस तरह में चेंजेस आने वाले हैं वो तो एक बात है, आप गवर्नमेंट का एक हिस्सा खुद ऑक्यूपाई करते हैं, आप इस चीज़ को आप इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव दें कि लोकल पॉलिटिक्स में किस तरह का बदलाव आएगा इस आंदोलन के बाद? क्या एक एमएलए पोजीशन का पॉलिटिशियन अब ज़्यादा अपने कंस्टिट्यूएंसी की नीड्स पे फोकस करेगा या इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल? नहीं देखिए भारत में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो ग्रामर रहा है वो थोड़ा मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूँ मुझे पता नहीं चला, लेकिन मूवमेंट कितना भी तगड़ा हो उसके बावजूद कभी कभी उस मूवमेंट के लोग जब एमपी एमएलए का चुनाव लड़ते तो हार जाते हैं। तो इलेक्टोरल सेंस में सारी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ का सत्याग्रह किया उसके बावजूद भी वो चुनाव हारते थे, ठीक है, लेकिन वो महाड़ का सत्याग्रह होना जरूरी था, ठीक है। भगत सिंह जो मूवमेंट किए तो वो कोई चुनावी राजनीति के लिए नहीं किए थे, इस मुल्क में कोई परिवर्तन है उसके लिए किए थे। उसी प्रकार से इस मूवमेंट को केवल इलेक्टोरल लॉस या बेनिफिट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। ये बात बहुत तय है कि पंजाब में हरियाणा में और देश के जो पूरा किसान नाम के कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें तो बहुत बड़ा लॉस बीजेपी को होगा, लेकिन कल को ये नहीं होता है तब भी ये जो योगदान है किसानों का, मतलब ये गजब है। ऑफ कोर्स यू नो जियोग्राफिकली बहुत डिफरेंस है गुजरात पंजाब हरियाणा में, बट आप एक यंग मेंबर हो इस पॉलिटिकल प्रोसेस के, आपको क्या लगता है जो यूथ का मोमेंटम जुड़ा हुआ है इस आंदोलन में उसका क्या आगे वाले समय में क्या नतीजा होगा? डू यू थिंक कोई नई पार्टी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नए चेहरे तो देखने को मिलेंगे ही आई एम श्योर, बट वो नए चेहरे उन्हीं पार्टीज में जाएंगे या कोई आपको लगता है कि इस किस्म का कोई चेंज होराइजन पे है?
Well, it is too early to make any claims in this regard. I will say ki let us not start, let us not go in that direction, right? Whether this movement will throw faces which will become MP and MLA, usme nahi jana abhi mereko. Abhi jo youth yahan par baitha hai, lad raha hai, wo Bharat ke lakho yuva ko inspire kar raha hai, including hum. To isse badi kya uplabdhi ho sakti hai? And Jignesh ji, talking about the future, aapke future mein hum kya expect kar sakte hain? Please tell our viewers, what can we see in the coming days, years? See, I'll say one thing to the viewers of your channel, that as a nation, we are in deep trouble. And the kind of forces have taken over all the organs of the state, they are desperate to destroy the social fabric. They're really, really desperate to destroy our constitution. So, you know, whatever we can do to save whatever little democracy we are left with and to save this constitution, that will be a great contribution. So it's my appeal to all the viewers, whether they are in Canada or London, UK, USA, in whatever part of the world, or whether they are from Punjab, Gujarat, anywhere. As a human being, we must always keep one thing in mind, which Bhagat Singh said. Each and every commodity that you and me use is the outcome of blood and sweat of the working class people. तो जो किसान और मजदूर है उसके पसीने की वैल्यू करना यही सबसे बड़ा एक इंसान के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे कर्तव्य है. और इस कॉन्टेक्स्ट में सारी राजनीति को, सारे मुद्दों को हम लोग देख पाएंगे तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. Wise words, Mr. Jignesh Mevani, MLA from Gujarat. Thank you so much aapke time ke liye and for visiting the borders and sharing your experience with our viewers. Thank you so much to these kisan ki jinke chalte mujhe yahan aane ka ye nazara dekhne ka mauka mila. And thank you aapko dekhne ke liye. Aap tuned rahiye aur updates aapke sath provide karte rahenge. Aise hi karte rahenge. Namaskar.